जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मन चाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। लेकिन कई बार भक्त समय या फिर सेहत के चलते या फिर किसी और कारणवश नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं और व्रत न रखने की चिंता करते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी ही स्थिति है तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है सच्चे मन से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए तो अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा आप 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाकर भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं नवरात्रि के दौरान माँ की अखंड ज्योति जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि पर माँ की अखंड ज्योति नहीं जला पाते। तो अगर आप भी नवरात्रि पर किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पलक झपकते दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।